आर्ट को जो है सरकार तो दबाना चाहती है, क्या पता क्या होगा। उन सबको कीमत चुकानी पड़ रही, लेकिन अब क्या है कि हम बनाएंगे तो हमारा खरीदेगा भी नहीं और मारेगा। आर्ट को रोकने की कोशिशें होती हैं। सिर्फ उसकी बात करती है और मेरे को अंदर डाला जा सकता है, मैं उस खौफ में नहीं जीना चाहता यार एक आर्टिस्ट की तरह। दीज आर द वॉइसेस ऑफ फियर, कॉशन एंड डिस्ट्रेस, बट मोर इम्पोर्टेंटली दीज आर द वॉइसेस ऑफ आर्टिस्ट्स, आर्टिस्ट्स हु अपोज, ओवरटर्न, डिसेंट, डिफर, राइज, rebel. The history of rebel art can be traced back to the 16th century. Be it the masters of Greek thought, Aristotle and Plato, who questioned the kings, which continued through anti-war paintings by artists like Pablo Picasso, to anthems of freedom during the civil rights movement in the 1960s, to graffitis on the Berlin Wall during the Cold War. Meanwhile, rebel art had established itself in the Indian freedom struggle, with poets like Rabindranath Tagore and cartoonists like Gaganendranath Tagore, whose caricatures were his responses to the Bengali society, followed by Baburao Gogol, the playwright who led the post-independence Dalit movement. Artists are part of the society, so hence whatever artists make is going bound to be a reflection of the society. Art in itself can never be suppressed. जो भी आर्टिस्ट है या जो भी देखिए दोनों में बड़ा फ़र्क है। पहले मैं मीडिया के लिए ही काम करता था तो कवरेज का सवाल नहीं था, मैं अखबारों के लिए कार्टून कॉलम बनाता था, मगर इसके बाद से वो रास्ता बंद हो गया। मुझे लगा इसके बाद से क्या बात की जाए, कैसे की जाए, और कुछ अखबार भी कंफर्टेबल नहीं थे मुझे लड़ने के लिए जिनसे मेरी बात हुई, तो एकदम अलग है। पहले ये जर्नलिज्म का एक हिस्से की तरह था जो मैं कार्टूनिंग कर रहा था अखबारों के लिए, मीडिया के एक हिस्से की तरह था, अब वो एक्टिविज़म की तरह है। तो ऑफकोर्स आर्ट को रोकने की कोशिशें होती हैं, लेकिन इन कोशिशों के बीच ही आर्ट निकल भी आती है। और कभी कभी जब आप किसी आर्ट को रोकते हैं, जैसे मेरे वेबसाइट को बैन किया तो मेरे कार्टून और लोगों तक पहुंच पाए, अगर बैन नहीं करते तो मैं कानपुर में रहता था उस वक्त और मेरे कार्टून शायद बहुत लोगों तक नहीं पहुंच पाते। इट स्टार्टेड ऑफ विद द नीरव मोदी स्कैम दैट स्टार्टेड वेयर आई जस्ट समहाउ मेड अ पैरोडी ऑन अ पॉपुलर सॉन्ग दैट वाज गोइंग ऑन एट दैट टाइम। आई फाउंड अ वे क्योंकि विल है, यही तो अपना स्किल है, 11 के करोड़ का जो बिल है आज से तेरा हो गया। तो इट कॉट ऑन सम अटेंशन ऑफ पीपल, उसके बाद से मैंने तरह तरह की चीज़ों पे गाने बनाने की कोशिश करी। और मेरा जो पहला संग्रह कविता संग्रह आया सुनो अदीब, एक किताब का नाम है उस, वो किताब दरअसल समर्पित है गुजरात के बेस्ट बेकरी कांड हुआ था 2002 में, उसमें जो लोगों को बेकरी के अंदर भून दिया गया था उन सब को, तो उसमें जो लोग मारे गए थे उनको समर्पित वो किताब है दरअसल। तो दैट इज़ हाउ आई एम सेइंग कि वो जो एक सांप्रदायिकता के ऊपर जिस तरीके से लोग मारे जाते हैं, जिस तरीके से वो शिकार किए जाते हैं एक डिफरेंट कम्युनिटी के द्वारा, डिफरेंट कम्युनिटी को किया जाता है जो कि मानवीय मूल्यों के इतने अगेंस्ट है, इतने खिलाफ है, जो कि हमें मेरे ख्याल से कंडेम करना चाहिए। आफ्टर द इमरजेंसी व्हेन वी कुडंट टेक अ लार्जर प्लेस टू द ऑडियंसेस बिकॉज़ देयर वाज अ काइंड ऑफ अ आई मीन आवर होस्ट ऑर्गेनाइजेशंस नो लॉन्गर हैड द वेरविदॉल टू सपोर्ट दिस काइंड ऑफ एक्टिविटी, सो वी सेड ओके इफ वी डिडंट, एक्चुअली दीज आर सफदर्स वर्ड्स दैट इफ वी कांट टेक, यार अगर बड़े नाटक नहीं ले जा सकते हैं तो छोटे नाटक ले जाएंगे, इफ वी कांट टेक बिग थिएटर टू द पीपल लेट्स टेक स्मॉल थिएटर, नाउ व्हाट इज स्मॉल थिएटर, दैट वाज द जर्नी। सफदर हाशमी, अ कम्युनिस्ट प्लेराइट एंड अ स्ट्रीट थिएटर आर्टिस्ट हु फाउंडेड जन नाट्य मंच, वाज मर्डर्ड ऑन 1st जनवरी 1989। ही वाज अटैक्ड बाय द पॉलिटिकल हुडलम्स ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस ड्यूरिंग वन ऑफ हिज परफॉर्मेंसेस इन गाजियाबाद। एनीबॉडी हु इज इन द गवर्नेंस दे वुड लाइक टू बी कंट्रोल फ्रीक्स, what because they want to maintain their authority,
it could be any given government. No government in this world had would like artists like protesting or whatever. They will try to curb. तो हमें बताया गया है पावर क्वेश्चन नहीं करना चाहिए. इट्स नॉट गुड टू. हम घर से सीखते चले जाते हैं और ये मानते चले जाते हैं आखिर तक कि हम अपने प्रधानमंत्री को क्वेश्चन नहीं कर सकते, राष्ट्रपति को क्वेश्चन नहीं कर सकते, जबकि ये गलत है. किसी डेमोक्रेसी में, किसी अच्छे समाज में, किसी भी तरीके की सोसाइटी, पॉलिटिकल सोसाइटी, वो सवाल करना बहुत ज़रूरी है. वो सवाल नहीं करेंगे जवाब नहीं आएंगे. देयर आर थिंग्स दैट आई विल नॉट से ऑन वीडियो बट आई से ऑन स्टेज. Why? Because on stage it is live, I can get away with it, but on video it's recorded and it's taken out of context and you will not understand what has been said, right? Art ko jo hai, sarkar to dabana chahti hai, lekin sarkar ne logo ko empower kar diya hai ki aap jo hamare ke khilaf bole aap unko dabaiye, to logon ko logon ke khilaf khada kar diya. Because nowadays what has happened is the narrative has been spinned in such a way that if you hate the government you hate India, which is not true. वो इस तरीके का डिस्कोर्स सोसाइटी में पैदा कर रहे हैं कि जो उनके खिलाफ बोले वो एंटी नेशनल है, तब बोलना और ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है ताकि आप लोगों को बताएं कि जो डिसेंट है वो नॉर्मल है, वो एक वे ऑफ लाइफ है. जब तक है बाकी सीने में दम, गाएंगे ऐ जालिम वापस जाओ जाओ जाओ, फिर लहराएगी लाल गगन में तेरे इरादों की राख, वापस जाओ. कब तक झेलेंगे ये काली रातें, भोर ढके ले तुम्हें, वापस जाओ जाओ जाओ. द पॉइंट वॉज दैट आई डिड नॉट रियली जस्ट वॉन्ट टू मेक अ ट्रांसलेशन, सो आई टुक द रिदम, टुक द मेलोडी एंड द मूड ऑफ द सॉन्ग विच इज anti-fascist. Again, Vapas Jao obviously was something that I was told by a number of people that Bela Chao ka kuch Hindi mein hona chahiye. Kalakar ek kalakirti bana karke wahan pe santusht ho jaye ki humne kala kar diya. Suppose humne ye Bharat ka map banaya aur ye kala ho gaya. Aisa to hai nahi. Kala to abhi jari hua hai, abhi to nikla hai aur iska ab dusra layer shuru hua hai. Ab iske saath prakriti aur लोगों का इन्वॉल्वमेंट के साथ वो कुछ और बनेगा, उसका एक नया संवाद होगा. होगा किसी वक्त की सरकार बुलडोजर लेकर के आए, इसको गिराए, तो दूसरे लेयर का कला होगा. अब धरने प्रदर्शन होते हैं, बसों को जला दिया जाता है, रेल की पटरियां को उखाड़ दिया जाता है, लोगों के कार को डैमेज कर दिया जाता है प्रदर्शन के नाम पर. ये सब तो एक तरह से पोल्यूटेड मानसिकता है, नेगेटिव सोच है. इन सब सोच को बदलने के लिए कलाकारों की एक बड़ी भूमिका तय हो सकती है. पब्लिक प्रॉपर्टी कैन नॉट बी डिफेस्ड, इट्स एनी वे एन ऑफेंस. ओके, सो इफ यू डिफेस और डिस्ट्रॉय पब्लिक प्रॉपर्टी, इट्स एनी वे एन ऑफेंस. सो ऑब्वियसली व्हेन आर्टिस्ट डू इट, ओके, दे हैव टू बी कॉशियस सो इज नॉट टू डू दिस काइंड ऑफ थिंग्स. सो व्हेन वी टॉक अबाउट रिबेल आर्ट, देयर इज एन एम्बिगुअस लाइन दैट सेपरेट्स आर्ट फ्रॉम वैंडलिज्म. And the ambiguity of this line lies in the Constitution itself. आर्ट के खिलाफ, आर्टिस्ट के खिलाफ जब FIR होती है तो धाराएं ऐसी होती हैं कि हर वकील उसके बारे में ठीक से नहीं जानता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच को डिफेंड करना, ये वकील का बार बार उसके पास ऐसा कोई काम नहीं आता है. उसके फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इज डिफाइंड अंडर द is a guaranteed fundamental right under Article 19 of the Constitution of India, okay, which says that everybody has a freedom of speech and expression. There is an exception to that in 19(2). Article 19, Section 2 allows the state to impose reasonable restrictions on freedom of speech in the interest of public order. Now, the ambiguity lies in the reasonability of these restrictions imposed. मैं ये संविधान संसद के गलियारों से नहीं लाया हूँ.
जिसकी मौत को आवाम ने गहरी नींद समझकर अब तक उससे उम्मीदें खत्म नहीं की है। मेरा संविधान मिट्टी में सना है, मैं इसे बाबरी मस्जिद के मलबे से खोद कर लाया हूँ। मेरा संविधान आंसुओं से गीला है, मैं इसे झेलम से निकाल कर लाया हूँ। मेरा संविधान खून में सना है, मैं इसे दादरी की खून की नदी में तैर कर डूबने से बचा कर लाया हूँ। मेरे संविधान के सर पर बंदूक है, मगर खौफ हथेलियों को मुट्ठी में तब्दील नहीं होने दे रही। मैं हरसिंहपुरा की नालियों से संविधान बटोर कर लाया हूँ। मेरे संविधान ने सारे जुल्म झेले हैं, वो अब इनकलाब चाहता है। मैं भी चुप रह जाता, नहीं सुनाता आपको संविधान, मगर मैं चाहता हूं कि इसके शब्दों की आपके जुबानों पर चढ़ने की गति इसके पन्नों से उतरने से कहीं अधिक हो। मुझसे भी आने वाली नस्लें पूछेंगी कि जब ये सब चल रहा था तब मैं कहां था, मैं भारत का संविधान पढ़ रहा था। ये सवाल मैं आपके लिए भी छोड़कर जाता हूं कि जब ये सब चल रहा था तब आप कहां थे। अभी जब वो तस्वीर देखेंगे तो जैसा इस पोएम में भी मैंने बोला था कि सर पर बंदूक है, मेरे संविधान के सर पर बंदूक है, तो जो लोग हैं उनके सर पर ऐसे बंदूक है और फिर भी जो उनके हाथ है वो ऐसे हैं, मतलब इतना खौफ है कि उनके जो हाथ है वो ऐसे मुट्ठी नहीं बन पा रहे हैं, वो बंदूक है फिर भी हाथ ऐसे हैं। तो मुझे देखकर लगा कि ये तो संविधान है जिसके सर पर बंदूक है, मगर खौफ इतना है कि वो मुट्ठी नहीं बन पा रहा। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं तो वो मुझे ऐसा मूव कर जाती हैं, तो उस चीज़ को लेकर लिखता हूँ। हमारे संविधान ने एक आदर्श नागरिक के लिए उसकी सुरक्षा और उसकी आज़ादी के लिए पूरी व्यवस्था कर रखी है, बावजूद इसके अगर उसकी नाजायज़ फ़ायदा उठाने की कोशिश किया जाए आज़ादी के नाम पर, जैसे कि आजकल देश में हो रहा है, लोग कैसी कैसी भाषा बोल रहे हैं, देश को टुकड़े टुकड़े करने की बात कर रहे हैं, और इतना ही नहीं सोसाइटी में एक लाइन खींची जा रही है नेशनलिस्ट और एंटी नेशनलिस्ट का। Cyclones with tycoons to pay up. सब बातें ये कम है निभाते, गरीबी को मारे पर जाते ये बाटे, क्या मंदिर क्या मस्जिद हवेली क्या बस्ती, इंसानियत कब से बनी इतनी सस्ती, पर सकती है छात्रों पे सोचो पे और विचारों पे। पत्थर को पूजे पत्थर से मारे, दर्शक हम सब है रक्षक हो हमारे, राक्षस और दानव को पढ़के पे जाने, आजादी के सपने हमारे पर पूर्ण स्वराज शब्दों पे लाठी क्यों घिसता है हाथ, मैं लिखने से डरूं क्यों, पूर्ण स्वराज प्रचारों पे क्यों अत्याचार, क्या यही है अच्छे दिन। With Roy. I'm a visual artist, designer and a rapper. Purna Swaraj was supposed to be Achhe Din. The song I wrote was with it was then a friend of mine who produced the music, and I wrote called Achhe Din. We did it for the Gauri Lankesh murder. So I was we were then very scared to put it out, and that project just stalled. Yeah, so I mean that symbolizes the fear of an artist. But again, that's only in a section of the song. Like I mean, only in the first few sections of the song, I unmask it at all. But I mean, just the fact that freedom of speech is also at stake, and we are scared to put our opinions out. We are scared to put our art out. That signifies that. Being represented as art. So you can see how unsettled and how scared the government is with all this art coming out, with all these voices coming out. So, there is always this scare that they are going to take some very radical steps to, curb these voices very soon. What those steps are, nobody knows, but, they are inventing new means and methods to curb voices of opposition. हमें ये डर लगता था कि अगर मेरे डायलॉग की स्क्रिप्ट खुल गई, अगर मेरी कैरेक्टर डायरी खुल गई या इसका लैपटॉप खुल गया, हम अंदर जाएंगे, बिकॉज द थिंग्स वी हैव रिसर्च्ड, हाँ वो स्क्रिप्ट उसकी बात करती है और मेरे को अंदर डाला जा सकता है, और मैं उस खौफ में नहीं जीना चाहता यार एक आर्टिस्ट की तरह। सो व्हाई इज दिस एनवायरनमेंट ऑफ फियर बीइंग फैब्रिकेटेड इन द कंट्री? सी, देयर इज वन थिंग दैट यू नो पीपल हु डू नॉट वैल्यू एजुकेशन, you know, there's one thing about them, but they're very scared of
rational ideas and, you know, free thinking and free thought and, you know, radical ideas being represented as art. It's a very scary space because as soon as you become aware, you become aware of their bigotry and that is scary for them. So, wo koshish jari hai and kafi alag alag raston se jari hai and it's like it's pretty evident now. नहीं खतरा नहीं, राजनीतिक व्यवस्था को किसी से कोई खतरा नहीं है. वो खतरे की मार्केटिंग करते हैं, उसके ज़रूर जानलेवा स्वरूप हो सकते हैं, पर वो उनके लिए तो ये खतरा मौका उपलब्ध कराते हैं कि उसको बड़ा करके वही जन भावना की राजनीति वो कर सकें. कलाकार किसी के लिए क्या खतरा हो सकता है? किसी के लिए वो तो राजनीति को अच्छा करना चाहता है. वो थोड़ी कह रहा है कि कोई राजनीतिक दल ना हो. वो तो उस राजनीतिक दल की एक पर्टिकुलर बुराई को लेकर अपनी कला के ज़रिए रिफ्लेक्ट करता है. इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? अगर आप इतना भी टॉलरेट नहीं कर सकते हैं तो जनता को देखना चाहिए कि ये राजनीतिक दल में ऐसी क्या बात है कि अगर उसने दो बात कह ही दी तो फिर इतना हंगामा क्यों है? ये जो सो कॉल्ड वर्तमान समय में कुछ कलाकार वर्तमान सरकार के विरोध में आवाज़ दे रहे हैं, हकीकत तो ये है कि ये स्पॉन्सर्ड है. हकीकत तो ये है कि ये अन्यान्य विचारधारा के लोग हैं. तो विचारधारा की लड़ाई विचारधारा के ढंग से होनी चाहिए. लड़ाई इस बात के लिए नहीं होनी चाहिए कि हमें तो बस इस सरकार का विरोध करना है. हिटलर मरा नहीं, हिटलर मरा नहीं, हिटलर मरते नहीं, आवाजाही करते हैं इतिहास के पन्नों में जबरदस्ती. परिवर्तित होते हैं एक रूप से दूसरों में. एक मुल्क में ही नहीं, दुनिया भर में करता है हिटलर सैर. नहीं है जिसकी कोई एक शक्ल सूरत. तमाम मुखौटों के साथ सामने आता है वो. काल और समय से परे वो अमर है, अजर है, अवतार है, अंतर्यामी है. वो यहां भी है, वहां भी है, इधर भी है, उधर भी है, स्वर्ग में भी, नरक में भी. वो सबसे बड़ा इतिहास वेत्ता है, मौसम विज्ञानी है, शिक्षा शास्त्री है, वैज्ञानिक है, लेखक है, कवि है, शायर है, जाने क्या क्या है. हिटलर मरा नहीं, हिटलर मरते नहीं, आवाजाही करते हैं इतिहास के पन्नों में जबरदस्ती है. परिवर्तित होते हैं एक रूप से दूसरे. हिटलर मरा नहीं कविता है जो कि बेसिकली हिटलर के बारे में है पूरी कविता, लेकिन हिटलर ही नहीं है उसमें, तमाम तरह की और चीज़ें हैं. तो उन चीज़ों को लेकर के जब मैं कविताएं पढ़ता हूं लोगों के सामने उस प्रोटेस्ट में, तो लगता है कि लोगों को छू रही हैं, अंदर तक जा रही हैं. बहुत तरह के लोग आते हैं, उर्दू में लिखती हूँ, लोग उर्दू मत लिखो, सबको समझ में नहीं आता है. अब बहुत सारे लोग आ जाते हैं जो ईजिली पढ़ ले रहे हैं मेरी राइटिंग को, तो मैं सबको नहीं समझा सकती. जो हमारी साइड की जो वुमेन है उनके लिए ज़्यादा मुश्किल है उस ट्रोलिंग से डील करना. अचानक से वो वायरल हो जाती है. मेरे कितने ऐसे फ्रेंड्स हैं कि वो अचानक से जो राइट विंग के पेजेस हैं उन पे वायरल हो जाती हैं. उन पर उनको डेथ थ्रेट्स, रेप थ्रेट्स आने लग जाते हैं. हमें लगता है कि आपको दिक्कत है तो हम बोलते हैं कि माफ़ कीजिएगा, बट नाटक का पार्ट है वो सच्चाई है, वो हो रहा है. सच्चाई को अगर किसी को दिक्कत है तो कोई बात नहीं. What does the public have to say about this? आर्टिस्ट लोगों ने ध्यान रखना चाहिए कि फुल इंफॉर्मेशन के साथ ही उनके कार्टून्स बनाने चाहिए और उनको प्रेजेंट करना चाहिए, क्योंकि उससे किसी को इन्फ्लुएंस नहीं मिलना चाहिए और नहीं होने चाहिए लोग इन्फ्लुएंस. इन टर्म्स ऑफ आर्ट, बट इट शुडन्ट क्रिएट वायलेंस, बिकॉज दैट इज जस्ट योर वे ऑफ वॉइसिंग आउट योर ओपिनियन. म्हणून तुम्हाला पूर्णतः माहिती असेल आणि प्रत्येकाचं ओपिनियन वेगळं वेगळं असू शकतं, त्याच्यामुळे कधी कधी तुमच्या ओपिनियन बाबत किंवा तुमच्या आर्टबाबत चुकीचे अर्थ काढले जाऊ शकतात आणि त्याच्यामुळे देशामध्ये अराजकता येऊ शकते किंवा हिंसक वळण येऊ शकतं. आर्ट इज कॉन्शियसली क्रिएटेड थ्रू अन एक्सप्रेशन ऑफ स्किल. When this skill is used to incite certain reactions, it gives birth to propaganda. So you see the misuse of art when you look at propaganda. And if you look at history, propaganda has been used by state to, you know, like influence a large section of society. And propaganda happens through art, visual art and, you know, like motion pictures, literature, music, literally everything that has got to do with creativity and that engages with people. So yeah, I guess that way propaganda is a way to misuse art. तो तो यही प्रयास करेंगे ना. अभी देखिए, अभी अभी थोड़ा समय पहले वो आया हुआ था, गोदी मीडिया से कुछ लोग आए हुए थे, तो उसमें क्या हुआ कि उनको बकायदा यहाँ की महिलाओं ने भेज दिया
यहाँ के विद्यार्थियों ने, यहाँ के लोगों ने बात नहीं किया उससे, उनको हटाया और हटाने के क्रम में बोला कि आप जाइए, ऐसे जो कर रहा था तो एक तस्वीर लेकर के ऐसे करते हुए एक तस्वीर ले लिया और उसको स्टिल चलाया, वीडियो चलाता तो पता चलता कि उसको हटाया जा रहा है, उसको भेजा जा रहा है, लेकिन स्टिल चलाया। अब देखिए वही तो आर्ट है ना, कैसा कलाकारी है उसका, वो कलाकारी देश को तोड़ने के लिए इस्तेमाल कर रहा है, हम कलाकारी देश बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इस प्रकार के कलाकार अगर जो तुष्टीकरण और अपोजिशन के बहकावे में आकर के कांग्रेस पार्टी के से स्पॉन्सर्ड होकर के अगर ये करते हैं तो ये तो सोचना ही पड़ेगा देश को कि ये गलत हो रहा है, ऐसे कलाकारों के बारे में लोग क्या। अरे भैया ऐसा क्यों बोल रहे हो, ऐसा क्यों तुम बोल रहे हो, अरे भैया ऐसा क्यों तुम बोल रहे हो, ऐसा क्यों तुम बोल रहे हो, देखो कहां मुंह खोल रहे हो, देख लो तुम जरा यहां वहां ये सेंसरशिप का खाली हासा, तुम लाते हो फिर खुद का बीपी बढ़ाते हो, इस देश में आग लगाते हो, तुम जनता को भड़काते हो, तुम लगनता फैलाते हो, तुम बलात्कार बढ़वाते हो, आर्टिस्टिक फ्रीडम बोल कर तुम बच्चों को बहकाते हो, ऐसा क्यों तुम बोल रहे हो, अरे भैया ऐसा क्यों तुम बोल रहे हो। ये पूरा एक लंबी कहानी है और जो कि बहुत लंबी चलती है, हम लोगों को शुरुआत में पता लगता है सिर्फ तभी कि इसके खिलाफ FIR हुई, तभी आपका सवाल था FIR का, क्योंकि आप या कोई पूरी दुनिया ऐसे ही खबर को देखती है कि इसके खिलाफ FIR हो गई, उसके बाद जो सालों जो डेवलपमेंट होता है उसको कोई मीडिया फॉलो नहीं करता और कोई नहीं जानता कि क्या हुआ, वो सिर्फ उस आर्टिस्ट को या उस इंडिविजुअल आदमी को ही देखना पड़ता है कि अब वो क्या करेगा, कैसे उससे बाहर निकलेगा, और ये बहुत लंबी प्रक्रिया है, FIR तो बस शुरुआत होती है एक बहुत लंबी प्रक्रिया की। उसकी अब कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं रही गुडनेस की, या आपका अपना भ्रम है कि आप उससे अभी भी उम्मीद कर रहे हैं कि मीडिया ये नहीं दिखाता, मीडिया वो नहीं दिखाता। मीडिया बहुत पहले कह चुका है कि हम कुछ नहीं दिखाएंगे, जो हमारा इंटरेस्ट का चीज़ होगा वो हम दिखाएंगे, वो आपको देखना पड़ेगा। आई वुड से फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ आर्ट दैट हाउ इम्पैक्टफुल इज योर आर्ट मेक्स योर वे to the mainstream or independent or everything. So I guess like yeah, independent media is very invested in how this anger and discontentment manifests, but in terms of mainstream they don't really want to give a voice to this form of protest because it doesn't exactly go with the narrative they want to push through their storytelling or whatever they do, broadcasting and all. आपको लगता है इस तरह से जो बंदर बने हुए एंकर वो कोई किसी चीज़ को प्रमोट करना चाहते हैं सिवाय वायलेंस, फासिज्म टेंडेंसीज और सरकार की चाटुकारिता के अलावा, तो उस मीडिया से अब क्या बात किया जाए कि उसका क्यों होना चाहिए? वो तो लोगों से पूछना चाहिए कि जो मीडिया अच्छी चीज़ों को प्रमोट नहीं करता आप 200 रुपये क्यों देते हैं? नो दैट्स अ ट्रिकी क्वेश्चन, बट द थिंग इज दैट मॉनेटरी पार्ट इज अ मेजर थिंग इन मेनस्ट्रीम मीडिया, be it television, be it print, be it radio. News is not allowed in India in radio, but otherwise, like I'm talking in general. You are the most powerful entity in this country. If you want society to be changed, if you want to change things which are irrational, things which are not good for you, things which are not good for your society and the country, come together. Come together, raise your voice. And that's what is happening today. As the conflict manifests between the system and the artists, it's about time that art is accepted as the societal mirror that it is and not misused anymore. Only then, these voices of fear, caution, and distress will grow into the voice of art.